नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आज एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं और वो जानकारी है कि ब्याज पर पैसा देना सही है या गलत है। ब्याज के बिना, पैसा लेन देन के बिना दुनिया में काम भी नहीं चलता, लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर जो ब्याज है, उस ब्याज को सोच विचार करके देना चाहिए। देखिए, प्रायः देखा जाता है कि लोग जिनके पास पैसा है, वो दूसरे मजबूर लोगों का बहुत अधिक फायदा उठाते हैं। मजबूर आदमी को पैसा चाहिए, किसी भी रेट पर चाहिए। और हमने देखा है कि 100 रुपये पर 10 रुपया ब्याज, 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज, 100 रुपये पर 3 रुपया, 2 रुपया ब्याज। जहां 10 रुपये का ब्याज लग गया, वो 10 महीने में ही डबल हो जाता है। बाकी 10 महीने में भी नहीं, 9 महीने में ही डबल हो जाता है, क्योंकि हर महीने ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो जो व्यक्ति मजबूर है, जिसने 10% पर ब्याज लिया, तो या तो आप जो है इतने पैसे पर ब्याज देना, ये कसाई का ही काम हो सकता है। आप किसी का खून चूस रहे हैं, और ध्यान रखिएगा, ऐसे कार्य में, इतने बड़े ब्याज में दो ही बात है, या तो आपका पैसा डूबेगा, वो व्यक्ति स्थान छोड़ के भागेगा, या फिर आत्महत्या कर लेगा। और जब आत्महत्या कर लेगा, तो किसके कारण से किया? आपके कारण से। उसके दोषी कौन हुए? आप हुए। उस हत्या की जिम्मेदारी आपकी है। 5 रुपए पर अगर हम ब्याज देते हैं, 5% पर ब्याज देते हैं, ये मासिक ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, वार्षिक ब्याज की नहीं, तो 5% पर भी ब्याज देते हैं, तो 20 महीने में या 18 महीने में ही वो डबल हो जाता है। उस व्यक्ति ने कहीं भी वो पैसा लगाया, बीमारी में लगाया, दुकान में लगाया, और वो उतना नहीं कमा पाया, तो वो जीवन भर केवल आपके लिए कमा रहा है, अपने लिए नहीं कमा रहा। और उसको ब्याज देते हुए उसकी अंतरात्मा इतनी रोती है कि उसका जो अंदर का जो रुदन है, वो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आएगा, दुष्प्रभाव में आएगा, और उसका फल आप भोगोगे। तीसरे नंबर पर 3% का ब्याज, यह भी पाप है। 2% का ब्याज, यह भी उचित नहीं है। हां, किसी मजबूर व्यक्ति से आपके पास पैसा है, उसको जरूरत है, तो अगर आपने ब्याज नहीं लिया, तो भी वो पैसा लौट के नहीं आता, क्योंकि वो लापरवाह हो जाएगा। तो ब्याज होना जरूरी है, लेकिन ब्याज जैसे आपने 1% पर लिया, 100 रुपये का 1 रुपया मासिक अगर आपने लिया, तो वो ब्याज भी आसानी से आता है, वो आसानी से उसको चुका भी सकता है, और आपके ऊपर भी उसका दोष नहीं आता, और वो भी जो है दुखी नहीं होता। लेकिन बड़े व्यापारी, वो तो 50 पैसे पे खेलते हैं, 50 पैसे पे रोज करोड़ों रुपया लेते हैं, रोज करोड़ों रुपया देते हैं, अपना व्यापार करते हैं और उसका ब्याज देते हैं। तो किसी किसी का व्यवसाय ही यही होता है कि वो ब्याज पर पैसा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम ब्याज पर पैसा किसको दे रहे हैं, वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। भाई आप मत दो, लेकिन कम से कम उसका खून तो मत चूसो। और खून चूसे तो वो उधर से उसका जो है मन दुखी हो रहा है, एक दिन आप भी दुखी होगे। तो ये जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है आपको। बाकी और भी कोई अगर जानकारी की आपको आवश्यकता है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, अपने जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या है, चाहे वो ज्योतिष से, वास्तु से, व्यापार, शरीर, शादी विवाह, संतान, नौकरी, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, उसकी जानकारी के लिए आप 5 चीज़ हमें दें। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान,
ये अगर आपके पास है तो आप संपर्क करके कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके देखिए, अगर आप सेवा लेना चाहते हैं तो सेवा देना भी पड़ेगा, ये आदान प्रदान है। तो उससे आप जो है जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी और आप लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि, रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।